गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए करते हैं शुरू अपने 30 डेज नो शुगर चैलेंज के डे 10 को और लगा लेते हैं यहाँ पर टिक। और अब खाते हैं अपने ड्राई फ्रूट, पीते हैं अपनी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर और मिलते हैं वर्कआउट के टाइम छत पर। भाई साहब 7 बज चुके हैं और कॉफी खत्म हो चुकी है, तो कॉफी को देते हैं थोड़ा रेस्ट, यानी कि मैं 10-15 दिन तक कॉफी नहीं लूंगा। अब चलते हैं ऊपर और वर्कआउट करते हैं फटाफट से। आज हम लगाएंगे चेस्ट एंड बैक और एनर्जी है पूरी। नो शुगर के बाद में अब मुझे ज्यादा कुछ एहसास नहीं होता है कि मुझे मीठे के बाद में बॉडी एकदम ठीक हो जाए धीरे धीरे। मीठे के बाद में नहीं, बिना मीठे के। हाँ, मीठे बिना मीठे के, मीठा छोड़ने के बाद में, कहने का मतलब मेरा ये था। हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोलिए ना। कोई बात नहीं, वो स्पीड आ रही है ना इस टाइम एनर्जी की वजह से। और दूसरा मुझे एहसास लगता है कि मेरी बॉडी अंदर से फैट लूज कर रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो। ठीक है, ऐसे नहीं ऊपर से अंदर की तरफ, अंदर मुझे हल्का हल्का फील होता है पेट में, पहले ऐसा लगता था जैसे फूल रहा हो अंदर से, ऐसा फूला फूला सा कुछ ही नहीं है, अब एकदम सही रहता है। अब धीरे धीरे देखो होगा बेहतरीन है फिर। और इस जर्नी में जुड़े रहो भाई, जुड़े रहो इस जर्नी में और कमेंट करो ऐसे जाके ना टैप कर दो। हाँ, सब्सक्राइब पे कर देना और ऐसे करके ना लाइक पे टैप कर। चलो पी लेते हैं पानी और चलते हैं ऊपर। तो चलिए आ चुके हैं हम छत पर और अब कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। मिल गई ऊर्जा सूर्य से, अब शुरू करते हैं अपना वार्म अप। देखो पापा से कैसे खाना मांग रही है, चोच मार रहे। देखो 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 देखो, है ना, मैं ज़्यादा पास इसलिए नहीं जा रही क्योंकि फिर वरना वो उड़ जाएंगे। ऐसे चोच मारते रहते हैं खाना मांगने के लिए, खोला क्यों खाने के लिए। हाँ, यूं ही चोच मार रहे। ब्रेकफास्ट मांगते, ब्रेकफास्ट चने बाजरे का ब्रेकफास्ट। रोटियों का भी तो होता है इनका सुबह। आज तो इतनी तेज हवा चल रही है ना, एकदम जबरदस्त मौसम हो रहा है आज, देख रहे हो ना, हवा शीत लहर चलनी शुरू हो चुकी।
भाई खत्म अपना वर्कआउट, मिलते हैं अपने प्रोटीन शेक के साथ नीचे। चलो दोस्तों अब हम ये वाला फ्लेवर टेस्ट करेंगे जो कि है हमारा वैनिला क्रीम। ठीक है वैनिला क्रीम, तो चलो फटाफट कर लेता हूँ इसको कट। पर कट का निशान है, इससे नीचे ही काटना है आपको। अब देखते हैं इसका टेक्सचर। हाँ वैनिला की, वैनिला आइसक्रीम की स्मेल आ रही है ना। अब इसमें गया, अब हम इसमें डालेंगे पानी। ओके अभी मैं आपको पानी के साथ में फिर मिल्क के साथ में दोनों का टेस्ट बताऊंगा। वेनेला का टेस्ट अच्छा है, ट्राई ठीक है ना। थोड़ा स्वीट लग रहा है मेरे को लेकिन फिर भी अच्छा है। अब हम इसमें डालेगा मिल्क। मिल्क के साथ तो भाई अलग ही फ्लेवर। थोड़ा ठंडा कर लूँ इसको, गर्म होता है ना, गर्म होता है तो गैस बनती है इसके अंदर। इसे मांझ दूँ, समझ गए मांझने का मतलब। अब अच्छे से इसको शेक कर लेते हैं। देखो बनी ना गैस मिल्क के साथ, मच बेटर। तो भाई इसमें सच बताऊँ ना, मिल्क के साथ ज्यादा अच्छा मुझे मिल्क के साथ में, क्योंकि खाली पानी के साथ ना मुझे जीशा। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अश्वगंधा ऐड करूंगा क्योंकि यार वैसे पिया नहीं जा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा ना, भूल जाता हूँ काम के चक्कर में थोड़ा सा। तो अभी हम इसको डालेंगे थोड़ा सा अश्वगंधा। इतना घोड़ों का खाना अश्व, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी इसे पी के। तो ये है मेरे पास में बनाना और ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट जो मैं शेक लेता हूँ अपने। आपको पता है कभी बनाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कच्चा मिलता है ठीक है, तो कभी बढ़िया पका हुआ मिलता है। यही सब है। और अभी जो प्रोटीन का ये फ्लेवर मैंने मंगवाया ये मैं आपको दिखाई रहा हूँ क्या 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 नहीं है। 24 ग्राम इनमें प्रोटीन है और बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो जाके आप देख लेना। और भी ऐसे मेरे पास में छोटे छोटे स्मॉल पैक है, उनका भी मैं रिव्यू अभी लाता रहूंगा। और यही सब है। और आज मैंने कॉफी नहीं ली तो उसका कुछ ज्यादा कुछ खास ऐसा रिजल्ट नहीं दिखा मेरे को, ज्यादा ऐसा है ना ज्यादा पसीना नहीं आया। पर ऊपर वाले ने मौसम बेहतरीन कर रखा है, ये भी हो सकता है मौसम के, क्योंकि सच में मौसम मतलब इतना आज गर्मी नहीं फील हुई ऊपर। बनाना लेते हैं, लग तो कच्चा रहा है, इनका मूड खराब हो जाता है। पहले तोड़ के देख लेते सही है। ओके चलो फिर अब मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो दोस्तों जैसे आपने देखा ना मैंने कल रोस्ट करी थी, तो मैंने इनके छिलके उतार दिए और अभी ये सारे वो उड़ा कर आई हूँ मैं। हाँ बड़ी अपना जुगाड़। अब इसके अंदर क्या है, कोई शुगर भी नहीं मिलेगी मेरे को और ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा। अब घर पे वैसे तो मैं पीनट बटर बनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास में ऐसे कोई ग्राइंडर नहीं है जो अच्छे से बना पाए, ऐसे ही खा लूंगा इनको। ऐसे ही सही है, जब भूख लगे खा लो। अभी के बज रहे हैं 11:15 यानी कि 11:20 और ये खा रहे हैं खीर बिना चीनी और बिना शक्कर के। तो मैं फिनिश कर रहा हूँ अपने खीर बिना चीनी बिना शक्कर, सारी किशमिश मेरे इसमें पड़ गई। अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने और इनको देख लो क्या कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा है इनसे। और बाहर तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है। तो चलो हम मिलते हैं फिर। अभी हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और हम बस पहुंचने वाले हैं। आ गए हैं यहाँ पे, चलो हम लेते हैं फिर मिलते हैं। और ये आ रहे हैं अब लेकर। ये चक्की का आटा खाता हूँ मैं, दीपचंदी चक्की का आटा। रिलायंस फ्रेश की ओर जाने वाली स्कूटी सादरा रोड पर आ चुकी है, कृपया सबर रखें, लाइन में बने रहे। कृपया सबर रखें, आ चुके हम। इधर कहाँ जा रहे हो, इस साइड है, इधर है, इधर मोगरा इंडिया गेट, इंडिया गेट ले लो, पहले देख लेना मिनी मोगरा ना। ठीक है चलो लेके चलो, चलो बिलिंग के लिए चल रहे हैं। तो भी हमारा सामान हो चुका है, मैं बैठ जाऊंगी पीछे यहीं तरफ को, ठीक है बैठोगे? हाँ नहीं रहने तो फिर चलाई नहीं जाएगी, मैं पीछे मतलब देख लूँ। हम आ चुके हैं अभी, चलो मिलते हैं फिर ऊपर। यस अभी के बज रहे हैं 2:15 और आज इतनी लेट खाना खाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आटा खत्म हो चुका था, हम फटाफट लेके आए उस आटे को जाकर ताजे ताजे। कल टाइम नहीं मिला था असल में, हम लोग इसलिए नहीं जा पाए थे, तो हैं अपना इसलिए लेट हो गए, करते हैं ग्रहण अपना भोजन। ओके
मैं 5:15 हो चुके हैं और मेरा इधर चल रहा है बनाना टू बनाना और थोड़े से क्रश पीनट्स हैं जो मैंने रोस्ट किए थे, तो फटाफट मैं इनको खाता हूँ। अभी के बज चुके हैं 7:15 यानी कि 7:20 और अपने इनका चल रहा है और अपने चल रहे हैं दाल चावल। और ये कुछ बोलना चाहेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करें? यस, तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल, गुड नाइट, टेक केयर। यस।